गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए व्लॉग में, एक नए दिन के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तो चलिए दोस्तों आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और आज का व्लॉग हो रहा है अभी के मतलब अभी दिन के बज रखे हैं 2 और हमने खाना पीना खा लिया है। तो आज व्लॉग की शुरुआत लेट हो रही है, सुबह से कुछ है नहीं वीडियो बनाने के लिए। और आज मैं बहुत खुश हूँ और आप लोगों को नहीं पता मैं किस लिए खुश हूँ, क्योंकि मुझे पता है अभी। और अभी मिस्टर जी वहाँ पर फ़ोन चला रहे हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं खुश क्यों हूँ। तो आज ना मैंने मतलब मैं कल से अपने लिए ये सिल रही थी, ये है नायरा कट सूट। तो मैंने काफ़ी मेहनत लगी मेरे इसको बनाने में, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है मतलब कि मैंने अपने लिए खुद बनाया नायरा कट सूट। और मेरे पास सूट भी नहीं था नायरा कट, वैसे तो है पर ऐसा नहीं था, तो मैं सोच रही थी सिलूँगी, तो मैंने सिल लिया तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आप लोगों को पहन के दिखाते हैं इसको। लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। आपको मेरा नया सूट कैसा लगा? आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मैंने खुद सिला था ना दुकान से। तो हम लाते रहते हैं और दुकान में और घर में सिलने में काफ़ी अंतर होता है, थोड़ा बहुत कमी तो हो ही जाती है ना हर किसी से। वो भी मैंने पहली बार सिला इसलिए, और मैं घर के काम में फिर इतना काम भी हो जाता है, फिर ब्लॉगिंग करना, एडिटिंग करना और उसके साथ साथ सिलाई भी करना, और सिलाई के साथ कुछ नया सीखने की इच्छा भी करें तो कैसे सीखे, मतलब इंसान के लिए इतना काम है। फिर भी मैंने कोशिश करी और इसी कोशिश की वजह से मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि सूट मेरे पसंद का है, बिल्कुल जैसा मैं सोच रही थी वैसे ही सिल रखा है और अच्छा भी लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि दुकान जैसा होगा, तो काफ़ी अच्छा है। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है। तो मुझे मैंने अपनी बातें तो आपको बता दी। और जो ये सूट का कपड़ा है ना वो काफ़ी अच्छा है, सॉफ्ट सा, वो मैं संडे मार्केट से लाई थी, यहाँ जो हमारी इधर लगता है तो वहाँ से लाई थी। तो 200 रुपये का सूट हो गया, मतलब कपड़ा हो गया, और उसके साथ जो लेस है, लेस लाई मैं 40 रुपये की, तो टोटल मतलब 250 भी नहीं बोल सकते, मतलब 240 रुपये का पड़ गया, मतलब जितना होता है। और जो यहाँ पे लगाए थे ना मैंने वो छोटे छोटे से, वो मेरे पुराने सूट का जो लटकन था वो टूट गया था, तो मैंने ऐसे ही रखा था, तो उसके तोड़ के फिर इस पर ऐसे ऐसे लगाया, तो घर में ही काम बन गया मेरा, मतलब ज़्यादा कुछ सामान नहीं लगा और अच्छा भी लग रहा था। तो आप लोग भी बना सकते हो, और जिसको आता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसमें यह कमी रह गई है। तो आप लोग अपना सजेशन देना कि मतलब कैसा होना चाहिए था। तो बाकी ऐसी और नया नया सीखने की कोशिश करूँगी, बाकी कोशिश तो मैं करती रहती हूँ, कभी कुछ सीखती रहती हूँ, बाकी इतना ही हो पाता है क्योंकि घर का काम वाम बहुत होता है इसलिए। और आज का व्लॉग इतना ही होगा क्योंकि आगे कुछ है नहीं, शाम भी होने वाली है, दिन के टाइम वीडियो बनाई थी, एंडिंग अब शाम को कर दूँगी। तो दोस्तों आई होप आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।